डब्बा है, ये डब्बा है दीपी का, और ये इसमें बैटर लगेंगे सारे, और इधर सेक्शन वाइज वो बैठेगा, ELCB बैठेगा इधर। ओके, तो इसको लगा देते हैं ऐसे। ये सिंगल सेक्शन मतलब दो सेक्शन का ये डीबी है, ये सेक्शन वन है, ये सेक्शन टू है, ये न्यूट्रल लगेगा इसमें सेक्शन वन का, इसमें सेक्शन टू का, और ये है अर्थिंग के लिए है, जो जो भी सर्किट के अर्थिंग है इसमें रखना। ये इसको थोड़ा निकाल देते हैं, हमारा ये एमसीबी हो गया थ्री पोल का। ओके, थ्री पोल का एमसीबी कुछ ऐसे करके बैठा लेते हैं, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल के लिए। इसको भी हम ऐसे लगा लेते हैं, ये लग गया हमारा। ओके, ये दो ब्रेकर है हमारे पास, दो ELCB है, ये 100 मिली एम्पियर का है, तो ये लाइट के लिए यूज़ करेंगे, तो लाइट सेक्शन वन में जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, इधर इधर लगाते हैं लाइट में, क्योंकि ये सेक्शन टू लेफ्ट में लगाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा ये सेक्शन टू का सीधा सीधा ये कनेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ये केबल दिए हुए हैं। इसको भी हम अच्छे से करके अच्छे से लगा लेते हैं, तो ये हमारा सेट हो चुका है। अभी अपने ब्रेकर की बात, ब्रेकर लगाने, तो ब्रेकर में हमको लोड शेड्यूल देखने का होता है, लोड शेड्यूल में जैसे जैसे है वैसे वैसे हम ब्रेकर लगाते हैं। लोड शेड्यूल में हम देख लेते हैं, इधर PDF फाइल है मेरे पास पड़ी हुई, तो ये सारे DBO का है। इधर हम EDB1, ये EDB2 है हमारा, ये हो गया EDB2, जैसा कि इधर है R1 10 एम्पियर है, Y1 10 एम्पियर, B1 10 एम्पियर, ऐसे जैसे जैसे दे रखा है ऐसे ऐसे हम लगा देते हैं इसी हिसाब से। इसको लगाने के लिए सीधा सीधा है, इसको लगाने के लिए देखो, इसको पहले पीछे खींचो, इसको यहाँ से ऐसे घुसाओ, फिर ये दबा दिया, दबा दिया, और उसके बाद से स्टार से हम टाइट कर देते हैं। ये हमारा सेक्शन वन का ब्रेकर जो है ये फाइनल हो गया है, ये तीन बचा हुआ है, ये स्पेस रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है हमारा। अभी सेक्शन टू का हम फाइनल करते हैं, सेक्शन टू का भी शेड्यूल देख के उसके हिसाब से हम लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा ब्रेकर भी हो गया लोड शेड्यूल के हिसाब से, ये सेक्शन वन का, सेक्शन टू का, सेक्शन वन का न्यूट्रल बार हो गया, ये सेक्शन टू का न्यूट्रल बार हो गया, ये हमारा थ्री पोल का एमसीबी हो गया, मेन केबल इसमें आएगा, और ये ELCB दो हो गया। ओके, अभी इसका वायरिंग करते हैं पहले, उसके बाद से ड्रेसिंग करेंगे इसको। पहले इसके बीच में केबल है, ये देखने का ये लंबा सा है, ये यहाँ से ये सेक्शन वन का RYB, लेफ्ट से कभी भी स्टार्ट करते हैं RYB, ये मेन है, इसका मतलब ये कि इसमें इसमें मेन न्यूट्रल जो आएगा मेन केबल, तो इसमें होगा और यहाँ से आउट होके एक ये सेक्शन वन वाले में जाएंगे, सेक्शन टू वाले में जाएंगे। इसको क्या कर लेते हैं सबसे पहले, और मेन जो केबल आएगा न्यूट्रल रेड येलो ब्लू, इधर से आउट होके सेक्शन वाइज जाएगा, एक में से दो केबल। अभी इसमें फर्स्ट वाले में रेड लगाते हैं, रेड वाला डाल दिए, बस वाला ब्लैक है, एन लिखा हुआ है, दूसरा ब्लैक, दूसरा ही एल्सीडी में। ओके,
अभी आ गया येलो, ठीक है। ये दूसरा येलो लगा दिया हमने, इसमें ब्लू लगाते हैं पहले, इसमें एक ब्लू लगा दिया, देखिए एलसीडी में इधर से मेन मेन केबल आएगा, न्यूट्रल रेड येलो ब्लू, इधर से आउट, इधर से दो दो केबल निकला, ये सेक्शन टू का है, ये सेक्शन वन का है, तो एक एक में ब्लैक भी चला गया, ब्लैक इधर से आउट निकलेगा, इधर चला गया, इसमें रेड येलो ब्लू, ब्लैक रेड येलो ब्लू, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको देना है आउट, जो निकालना है एलसीबी से वो सेक्शन में देना है, सेक्शन का सेक्शन वन इधर कनेक्ट करेंगे, सेक्शन टू का इधर कनेक्ट करेंगे, ये लंबा वाला केबल है तो हमारा सेक्शन वन का है, ये इंटरसेक्शन भी स्टार्ट होता है, लो भाई इसका हो गया कनेक्शन और ये पाइप भी हो गया फुल, इसका कैप जो है सेफ्टी कैप है कुछ इस तरीके से लगा देंगे, इसका बस क्या नहीं होता, हमारे पास बचे दो केबल, एक साइड में पिन टाइप प्लग भी है और एक साइड में पिन भी है, अभी हम देखेंगे ये सेक्शन वन का निकल है, जैसे कि मैंने बताया था ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेक्शन टू के लिए 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर, मतलब कि ये ईएमसीबी है 30 मिली एम्पियर अगर यहाँ से किसी भी सर्किट से लीक होता है तो ये ट्रिप हो जाएगा, और ये 100 मिली एम्पियर है, ये हाई लेवल का होता है इसलिए ज़्यादा मिली एम्पियर का लगाते हैं ताकि जल्दी जल्दी ट्रिप ना हो। ये लाइट के लिए है सेक्शन वन के लिए, जैसे कि इधर से देख सकते हैं इधर से केबल गया सेक्शन वन में, तो इसमें क्या होता है 100 मिली एम्पियर, मतलब कि ये जब सर्किट से लीक होगा कहीं से करंट लीक होगा 100 मिली एम्पियर या फिर किसी को करंट लगेगा तो ये डाउन होगा, तो इसमें इसमें दो तरह के ईएमसीबी लगे हैं, 40 एम्पियर ये भी है 40 एम्पियर ये भी है, लेकिन ये है 30 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ये 30 मिली एम्पियर दिया हुआ है, सॉरी ये 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, 30 मिली एम्पियर का मतलब है कि ये 30 मिली एम्पियर मतलब बहुत कम होता है, इतना अगर लीक हो रहा है किसी भी सर्किट से तो ये ट्रिप हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि ये लो लेवल का रहता है, सॉकेट वगैरह जो भी होते हैं लो लेवल होते हैं और हमारे जो भी उपकरण लगते हैं घर में कुछ भी तो वो लो लेवल के होते हैं, करंट लगने का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम मिली एम्पियर का ये ईएमसीबी यूज़ होता है। अभी हम इसका ये बचा हुआ है इसको लगा लेते हैं सेक्शन टू में, अब से इस तरीके से इसका भी सेफ्टी कैप लगा देते हैं। तो यहाँ से एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ से इन हुआ मेन जो हमारा केबल आता है एसएमटीवी से, यहाँ से दो दो केबल निकले आउट होके, एक केबल इसमें लगा, एक केबल सेक्शन वन में, एक केबल सेक्शन टू में, और यहाँ से जो सेक्शन वन का ब्रेकर है ये सेक्शन वन में चला गया, सेक्शन टू से सेक्शन टू में चला गया, और जो हमारा सर्किट आएगा वो सर्किट आके सेक्शन वन का जो सर्किट है आर टू वाई वन वाई टू बी वन बी टू आर थ्री आर फोर वाई थ्री वाई फोर ऐसे होता है, तो जितने जितने नंबर का वो सेक्शन वन में उसका न्यूट्रल लगेगा और जो सेक्शन टू वाला जो सर्किट आएगा सेक्शन टू में उसका न्यूट्रल लगेगा। तो अच्छे से हमें ड्रेसिंग करके केबल एंट्री करके और मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमको ये डीबी रिप्लेस करना है, इसको निकाल के लाइव पावर चल रहा है और यहाँ पे फिक्स करना है, ये बॉक्स जो है ये बिल्कुल रेडी है, अभी ड्रेसिंग नहीं।